हेलो एंड वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। हम लोग का जो टॉपिक है इडियम एंड फ्रेजेस का एसवी बक्स की बुक से, उसके हम काफी इडियम एंड फ्रेजेस को पहले ही पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सब आपको याद हो गए होंगे, आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग का जो नेक्स्ट इडियम है वो क्या है, फाइव शाय ऑफ, ये है 139। ठीक है, फाइव शाय ऑफ क्या मतलब है, तो थोड़ा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इडियम्स होते हैं उनका कभी भी शब्दों से कोई मतलब नहीं होता, वो एक अपना एक अलग ही मीनिंग देते हैं। ठीक है, सेंस पे डिपेंड होते हैं। तो चलिए इस बात को समझिए, मैंने बोला फाइट शाय ऑफ, तो इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, शाय जो होता है, शाय का मतलब होता है जो आदमी कम बोलता है, कि लड़का कैसा है, शाय है। ठीक है, कम बोलते हैं, तो कहने का मतलब तो यहां पर कम बोलना और उसी हिसाब से फाइट करना। तो भाई कम बोल के फाइट कैसे होती है, जब हम किसी को क्या, किसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, अवॉइड, या किसी आदमी को क्या कहते हैं, अवॉइड। तो इसका मतलब होगा अवॉइड टू एनीथिंग, या आप एनीवन लिख सकते हैं, किसी इंसान को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को क्या करना, अवॉइड करना ही आपका क्या कहलाता है बच्चों, फाइट शाय ऑफ। बात समझ में आ गई होगी। चलिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बोला आई जनरली फाइट shy of confronting my friend। बात समझ में आ गई कि हमेशा मैं क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं सामना करना किससे, अपने दोस्त से। अगर वो जब भी जो है उल्टे सीधे कमेंट ठीक है करता है, तो मैं क्या चीजों को क्या कर देता हूं, अवॉइड कर देता हूं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चीजों को क्या करना, इग्नोर्ड करना आप कह सकते हैं, इग्नोर्ड करना ही क्या कहलाता है, फाइट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फेबियन पॉलिसी। ये तो सुना भी होगा आप लोगों ने, फेबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है चीजों को जो डिले करते हैं। ठीक है, जैसे टू डिले एनीथिंग। ठीक है, टू डिले एनीथिंग, जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी को किसी भी काम को किसी से कहते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है हो जाएगा, कह दिया लेकिन हुआ नहीं, टाल दिया अच्छा कल हो जाएगा, दो दिन बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कुछ क्या करता है, क्या यूज कर रहा है वो, फेबियन पॉलिसी। बात समझ गए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला पॉलिटिशियंस Always follow क्या, फेबियन पॉलिसी। किस लिए यूज करते हो फेबियन पॉलिसी, इन ऑर्डर टू कीप एवरी वन सेटिस्फाइड। बात समझ गए, मैंने बोला पॉलिटिशियंस ऑलवेज फॉलो फेबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड, जिससे कि सभी लोग कैसे हों, खुश हों, इसलिए वो कौन सी पॉलिसी यूज करते हैं, फेबियन पॉलिसी। मतलब कुछ भी कह दो खाली क्या, टाल देते हैं। ठीक है, किसी के कहते ना पढ़े में नहीं पड़ते कि मतलब लड़ाई हो गई तो बीच में जाके नहीं, बस हाँ हाँ हो जाएगा लेकिन काम होता नहीं है। तो चीजों को क्या, टालना ही क्या कहलाती है, कौन सी पॉलिसी कहलाती है, फेबियन पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर नो राइम और रीजन। ठीक है, ये इसको हटा देता हूं, ये तो लिखने में प्रॉब्लम आएगी, उम्मीद है ये तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर नो राइम एंड रीजन, ये और ठीक है, नो राइम्स एंड रीजन क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है किसी भी कारण से, एनी रीजन। बात समझ में आ गई, जैसे मैंने बोला कि उसको क्लास में आना था आज, पता नहीं क्यों नहीं आया, तो हमें उसका क्या एग्जैक्ट रीजन पता है क्या, एग्जैक्ट कारण पता है क्या, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई भी कारण हो वहां पे यूज होता है फॉर नो राइम एंड रीजन। बात समझ में आ गई, जैसे मैंने बोला
He did not appear in final exam for no rhyme and reason. ठीक है, मैंने बोला ही डिड नॉट अपियर इन फाइनल एग्जाम. वेल क्या किया उसने, अपियर ने अपियर नहीं किया फाइनल एग्जाम में फॉर नो किसी भी कारण से. ठीक है, किसी भी कारण से, वो हमें क्या नहीं पता, रीजन पता नहीं है. ठीक है, तो ऐसे भी यूज होता है फॉर नो राइम और रीजन. ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी. बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से नोट्स बना लेना, और ये आपके अभी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उनमें ये आ सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है. फाइट टू फिनिश, भाई लड़ना किस चीज के लिए, फिनिश करने के लिए. तो इसका मतलब क्या है, लड़ना है बिल्कुल खत्म करने के लिए. ठीक है, क्या करना है, फाइट टू एंड. फिनिश या एंड, ठीक है. तो फाइट टू फिनिश का मतलब होता है फाइट टू एंड या फिनिश. ठीक है, लास्ट तक लड़ना. ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूं इंडियन आर्मी हैज वॉक्ड, क्या लिया है, प्रतिज्ञा लिया है टू फाइट टू द फिनिश. अंत तक लड़ने के लिए क्या लिया उन लोगों ने, प्रतिज्ञा ली है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्यू एंड फार बिटवीन. तो इसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसे कैसे समझना. फ्यू मतलब क्या होता है, चीजें कैसी हो, बिल्कुल थोड़ी सी हो, नाममात्र. फार मतलब क्या हो, डिस्टेंस पे. एक तो थोड़ी सी चीज हो, अब वो अभी आपको कहा मिले बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो क्या आप लेने जाओगे, मुश्किल से ही लेने जाओगे, नहीं तो लेने नहीं जाओगे. तो ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से. ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप, वेरी रेयर कह सकते हो. ठीक है, तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से. ठीक है, रेयरली कह सकते हो. कोई भी काम क्या होता है, बहुत ही होता है ना कि हुआ नहीं हुआ. ठीक है, तो ऐसे में यूज होता है फ्यू एंड फार बिटवीन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्लॉग आ डेड हॉर्स. फ्लॉग तो समझते हो ना, डंडे बजाना, कोड़े बजाना. ठीक है, किस पे, ए डेड हॉर्स पे. जो हॉर्स कैसा है बच्चों, डेड हो गया. तो इसका मतलब क्या चाहता क्या है वो, इसका मतलब ये, इसका जो मतलब होता है ये होता है बाल की खाल निकालना. आप ऐसे समझते हैं ना, बाल की खाल मत कहिए इसे, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना गड़े मुर्दे खोदना, गड़े मुर्दे खोदना होता है ना, ये सुना होगा आप लोगों ने, कि टू टेक इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर. जो पुराने मामले हैं उनमें क्या लेना, इंटरेस्ट लेना. बात समझ में आ गई. जैसे मान लीजिए अभी हम लोग दो लोग हैं, बातचीत है, अगर नहीं तूने 5 साल पहले मुझे ये भी कहा था, मुझे छोड़ना है 5 साल पहले के, नहीं नहीं तूने मुझे बचपन में चांटा लगाया, तो वो ऐसी चीजों में क्या यूज है, फ्लॉग आर डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है कि जो गड़ी बातें हैं उनको क्या ना निकाल के लाना है. लेकिन नहीं तूने उस दिन स्कूल में क्या टॉपी खा ली थी, मुझे नहीं दी थी, क्या समझ गए होंगे आप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फूल्स इवेंट. क्या मतलब होता है बच्चे, फूल्स इवेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसा एफर्ट लगाए जो किसी काम का ना हो, बस समझ में आ गई, तो उसी को बोलते हैं यूजलेस एफर्ट. ठीक है, या फूल्स इवेंट मतलब बेवकूफ बनाने वाले जो काम होते हैं. अब जैसे मान लीजिए बच्चे एग्जाम आने वाला है, एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं, लाइन से जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस. ठीक है, अब बच्चे क्या है, डेली 1 घंटा पढ़ेगा, 1 घंटा देखने में लग जाता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या हो, हाँ मैं आज पढ़ा, लेकिन क्या वो जो पढ़ा है वो किसी काम का है, नहीं है, किसी भी काम का नहीं है. उसको फायदा देगा, नहीं देगा, एग्जाम नहीं निकलेगा उसका. तो पॉइंट ये है कि एफर्ट तो लगा है लेकिन कैसा है, वो यूजलेस एफर्ट है, किसी काम का नहीं है. ठीक है, तो ऐसी ही जगह पे, इसलिए कहता हूं डेली पढ़िए, कम से कम जितने मतलब वही ना, सिलेबस बनाइए, सिलेबस देखिए, शेड्यूल बनाइए और एफर्ट लगाइए, जितना टाइम दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम दीजिए.
एग्जाम निकलेगा निकलेगा, ठीक है। तो यूजलेस एफर्ट या फूल्स इवेंट का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इसको मैं बता दूं, उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। आप वन टाइम लिखिए, ऑटोमेटिक ये सब याद भी हो जाएगा। चलिए तो हटा देता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से भी झगड़ना, किसी से भी क्या करना बच्चों, लड़ना। तो क्या होता है फॉल फाउल ऑफ, बात समझ में आ गई। जब आप किससे लड़ते हैं तो आप लगाते हैं वहां पे फॉल फाउल ऑफ, मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन आजकल क्या है उनके बीच में आपस में झगड़ा है, तो क्या है आपस में झगड़ा है, फॉल फाउल ऑफ कैसे ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब आदमी कोई भी गुस्से में आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर यूज होता है फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। कम क्या, टू कम इन टेम्पर, ठीक है, ठीक है, टू कम इन टेम्पर, या जब आप अपना आपा खो देते हैं वहां पे ये होता है फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लॉस वंस टेम्पर, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने बोला आई क्वेश्चन हिम अबाउट एग्जाम ही फ्लू ऑफ द हैंडल, बात समझ गए। जैसे मैंने बोला आई क्वेश्चन हिम अबाउट एग्जाम, मैंने एग्जाम के लिए उससे पूछा आप कैसे गया, तो उसने क्या किया आपका वजह तुझे क्या मतलब कैसे भी जाए, तो ठीक है, तो ही फ्लू ऑफ द हैंडल, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, जब आप अपना आपा खो देते हैं तो वहां पे लगा देते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये एफ है, फ्रेंच लीव, कौन सी लीव है ये, फ्रेंच लीव का मतलब होता है जो बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं, होता है ना बिना बताए छुट्टी ले लेना, चाहे वो ऑफिस से हो चाहे स्कूल से हो, ठीक है। तो जो बिना बताए छुट्टी लेते हैं वहीं पे बोलते हैं उसको फ्रेंच लीव, क्या है मतलब इसका, टू बी अब्सेंट विदाउट क्या परमिशन, तो वहां पे क्या यूज होता है फ्रेंच लीव, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला दोज हू टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन, जो लोग क्या बिना बताए क्या लेते हैं छुट्टी लेते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें माफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है आप क्या लें छुट्टी लें बिना किसके, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो कहलाता है फ्रेंच लीव। और फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब क्या होता है, जब आप अपना आपा खो देते हैं, ठीक है। फॉल फाउल ऑफ का मतलब क्या है, जब आप किसी से झगड़ते हैं, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, फेयर एंड स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है, एक तो फेयर है सीधा साधा निष्कपट, सीधा साधा निष्कपट, ठीक है, कपट हिंदी में थोड़ा सा ऐसी है, ठीक है। चलिए तो जब ऐसे में क्या यूज होता है, फेयर एंड स्क्वेयर, आप कह सकते हैं अपराइट, बस समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला कि आई एडवाइज यू टू बी फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर किसमें, इन स्कूल,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई एडवाइज यू टू बी फेयर। कैसा होना है बच्चों, सीधा साधा निष्कपट होना है, किसमें सच्चा होना है, स्कूल में, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीदर वंस ऑन नेस्ट। अब इसे ऐसे दिमाग लगाइए, मैंने बोला कि किसी अलग इंसान के चीजों से क्या बनना, बड़ा बनना होता है ना, बेईमानी से बड़े जो लोग बनते हैं ना, धोखाधड़ी से बन गए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो जब बेईमानी से लोग जो बड़े बन जाते हैं, तो वहां पे यूज होता है बच्चों फीदर वंस ऑन नेस्ट, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज होगा, कोई भी फायदा क्या लेंगे, सबसे पहले खुद लेंगे, ठीक है। जैसे आप ये समझिए कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है, तो जो नेता लोग होते हैं पहले वही ले लेते हैं, बाद में कुछ बचा तो जनता को दे दिया, ठीक है। और जनता तब भी पागल है, वो भी बल्ले बल्ले हैं, जय हिंद। मतलब देश की बात तो एक अलग चीज है, नेता के विषय लगे होंगे, उन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं, हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या नुकसान है। जिसने जो है एंड टाइम पे क्या पूछा, उसी के पीछे पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैं क्या बता रहा था, फेदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है टू प्रोवाइड फर्स्ट खुद को, टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ। मतलब कोई भी सुविधा लेना तो पहले खुद लेना, ठीक है। खुद को बड़ा बनाना किससे, किसी भी इंसान की चीजों से खुद को क्या बनाना, बड़ा बनाना, घपला करके किसी भी चीज से मान सकते हैं आप, ठीक है। टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, लास्ट के दो बचे हुए हैं, यहां पे लिखते हैं। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट क्या है। मैंने बोला फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब है जब इंसान यहां वहां रख के खाता है तो वहां पे यूज होता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। बस समझ में आ गई, दुख से ज्यादा क्या होना, पीड़ित होना, सफर मच, हैरासमेंट, ठीक है। तो क्या कहलाता है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जब आपको बहुत ज्यादा दुख हो, आप यहां वहां क्या धक्के खाएं, तो वहां पर यूज होता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, फुट द बिल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बियर द एक्सपेंस, बियर द एक्सपेंस। इसका मतलब ये है जब आप कोई भी खर्चा वहन करता है, किसी भी जो एक्सपेंसेस है उसको क्या करना, वहन करना, ठीक है। तो वहां पे यूज होता है फुट द बिल। बात समझ में आ गई, जैसे पांच दोस्तों को बुलाया, किसी एक का बर्थडे था, तो वहां पे जिसने, बात समझ में आ गई, जैसे पांच आदमियों में जिसने भी बिल दिया, जिसपे बिल क्या फटा, उसी को बोलते हैं फुट द बिल। जो भी क्या, जो भी खर्चे को क्या करता है, वहन करता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, फुट द बिल। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब ये कि जिसका बर्थडे है, अब वही क्या देगा, सभी के पैसे देगा, जो भी पांच सात दस लोग जिसने बुलाया, तो उसी पे, उसी को बोलेंगे कि फुट द बिल, की यही जो है क्या करेगा, बियर द एक्सपेंस, यही खर्चा क्या करेगा, वहन करेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, खाली नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बनाइए, आप वन टाइम लिखिए, मुझे उम्मीद है कि वन टाइम में ही याद रहेगा, ठीक है। चलिए इस सेशन को फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट सेशन में, याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम आने वाले हैं SSC के। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।